माय चैनल, इस वीडियो का टॉपिक है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, बाइनरी नंबर्स हैं ये दोनों, और बेस क्या है हमारे पास, बेस टू होती है। तो बेस टू होती है तो जो नंबर है, नंबर के डिजिट्स या तो जीरो होता है या तो वन होता है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता हमारे पास, कोई और नंबर नहीं आ सकता। नंबर में कोई डिजिट्स जीरो और वन के अलावा नहीं आ सकते। ओके, इतना क्लियर हुआ। जब हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे ना, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर भी आएगा तो या तो ज़ीरो या तो वन ही होगा। तो हम इस नंबर को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या नंबर है, वन ज़ीरो वन वन। बेस हमारे पास क्या है, टू, वो भी लिख लेते हैं। और इसको वन वन को इधर से नहीं आपने स्टार्ट करना, इधर से करना, ठीक है। अगर आप इधर से करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस वन को इसके नीचे लिख लें, इस वन को इसके नीचे और इस वन को इसके नीचे, और बेस भी लगा दें टू है। मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ पर, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करवाते हैं। इस वन ने सबसे होना है, फिर इस वन ने सबसे होना है, फिर इस वन ने सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो वन वन ज़ार वन आ गया, वन वन ज़ार वन आ गया, वन ज़ीरो ज़ार ज़ीरो आ गया, और ये वन वन ज़ार वन आ गया। मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इस वन ने सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो वन वन ज़ार वन, वन वन ज़ार वन, वन ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, और वन वन ज़ार वन। यहाँ पर टू टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। वन वन ज़ार वन आ गया, वन वन ज़ार वन आ गया, वन ज़ीरो ज़ार ज़ीरो आ गया, और वन वन ज़ार वन आ गया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है कि स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप में एडिशन कराते हैं। तो वन का वन आ जाएगा, वन में वन प्लस करें तो टू आता है। हम यहाँ पर टू लिखेंगे नहीं, हमने टू को क्या करना है, किस तरह करना है, टू को यहाँ पर लिख के, बेस टू है तो हम लोगों ने टू से डिवाइड करवा देना। तो वन में वन को प्लस करें तो टू नहीं, टू आता है ना, तो टू को कैसे सॉल्व करना है, टू के टेबल में टू आता है, वन जर। तो और हमने पूरा पूरा टू को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर रिमाइंडर में हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। और इसको लिखना कैसे, इस जो है ये राइट साइड पे उसको नीचे लिख लें, और जो लेफ्ट साइड पे उसको ऊपर कैरी दे दें। और वन में वन प्लस करें टू आता है, टू में वन प्लस करें तो थ्री, थ्री यहाँ पर हमने लिखना नहीं है, थ्री को हमने सॉल्व कर लेना है, थ्री को यहाँ पर टू से ही सॉल्व करना है। टू के टेबल में थ्री नहीं आता, थ्री से छोटा, टू के टेबल में टू आता है, टू के टेबल में टू आता है, वन ज़ार ये थ्री था, हमने टू को सॉल्व किया, इसका वन यहाँ पर रिमाइंडर में आ गया, तो ये वन वन आ गया। ये वाला जो है राइट साइड पर वो यहाँ पर आएगा, जो लेफ्ट साइड पर डिजिट है वो कैरी जाता है। तो वन में वन प्लस करें टू, टू में वन प्लस करें तो थ्री, अगेन थ्री नहीं हम यहाँ पर लिखेंगे, थ्री जगह वन वन आता है, तो वन यहाँ पर, वन यहाँ पर, तो वन वन प्लस करें तो टू आता है, टू यहाँ पर लिखेंगे नहीं, उसकी जगह क्या आ जाएगा, जीरो वन, वन जीरो है तो जीरो ये वाला इधर आ गया, और ये वाला वन कैरी चला गया। वन में वन प्लस करें तो टू आता है, टू की जगह अगेन जीरो वन आता है, तो हमने यहाँ पर जीरो तो लिख लेना है, वन भी यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि आगे तो नंबर कोई है नहीं जिसको हम कैरी दें, तो वन भी यहाँ पर लिख लेना और यहाँ पर बेस भी लिख लें। तो इस तरह हम लोग क्या करवाते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो है, डिवीजन, फिर इस तरह ऑक्टल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब पे वीडियोस बनी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर जो कन्वर्जन है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इन सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।